शिकायत ही नहीं आया। सरदार जी जय भगवान की जय मां भवानी भुनभुनाई जय मां भवानी की जय मां भवानी। साथियों जी सरदार जी हमारे पास वक्त नहीं है जी और भारत के वो सेठ फुलझारी के पास अच्छा वही के बाद देखिए आगे क्या होता है। आप लोग नहीं जानते आई एम छाटू सिंह जी सरदार जी डाकू सिंह आई एम डाकू सिंह। आप लोग नहीं जानते मैं इतना गोली चलाती हूँ कि न भुक्खा मिलेगा जो करोड़पति हो जाएगा। चलिए 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 भारत हमारे पास वक्त नहीं है। अरे बाप रे यहाँ भगवान हे भगवान हमें कब तक बोझ उठाने के बड़ी चिंता रहती नहीं तो तुम लोग न जानत हो आका जाना तुम आज मैं कल साल में तो आए हो ये न सोचो कि मैं सब छोड़ के चले गए आए भगवान आए भगवान यह खांसी न पड़ती यह मोर जीवे लेके गई और मैं कला गए रहा कलाबास पे मोर नाम सेठ लखपतिया है दौलत तो मेरे बहुत थी दौलत तो मेरे इतनी है कि मैं पैसा करके छपरे छवा लेकिन कमी इतनी है कि मोरे वो दौलत तो खाए वाले को नहीं इतना औलाद नहीं आया मुझे और मैं सोचा था कि ये पैसा मैं कहीं डाल दू कि कामे आ जाए एक रुपया हरा मैं कहूँ से ले अब गंदा हला कर मोरे दुआरे आएगा गरीब दुखिया अब अपन दुख देखावे याद रोवे याद कबंगा हलक पर मोरे आके पाला 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 महिला कहा तो भैया हरा मोरे पैसा बहुत है तुम्हार दुख पैसे न देखा दिख जाए तुम रुपया लाई जाओ जितना तुम्हार मन हो उतना नहीं जाओ प्याज मैं कितना ले ना जो चौल कौन ले सबसे कम एकदम कम से कम 20-25 रुपया सही करा बस मैं हराम का कहू कहने चाहिए अब जाठवाद देखो एक दिन माह 3 साल बाद अहिया कुल कारोबार मुनिमुआ ऊपर रहा देखा तो सरकार की हिस्सा न की
अरे तेरा मन हुआ जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल और सुना दे बीमारी के इलाज करवा लियो अरे डॉक्टर के लग जाए पैसा बात करे तो हाथ हाथ में पकड़ लाखी बेटो अरे कुर्सी का बोला या टूट रहा है फोन के कुर्सी बोला टूट गया चाचा तू उठा ले मेरी मां पहले बता कुर्सी बोला जैसे तू उठे जैसे तू तीन महीने पर था तो काम तो बताइए काम इससे कहीं नहीं होता काम से नौकरी मत छोड़ ये बता और तीन साल हो गए मगर सब हिसाब से नब्बे साल उम्र हो गए और अगर भगते नहीं कौन जवान का और इस सब से चाहे जो कोई जत ले जाए बस ना चार कभी अच्छे पति को बता दे देखो ये टूरिस्ट केयर हिसाब है 2015 के लिए राजा पल्ल के शेर जी 5,000 रुपये लगे रहे धीरे धीरे 1,000 मानो 5,000 हो गया अब क्यों नहीं कहा पीना के नहीं अधिकारी शेर जी ये 2016 बताओ ये जो पप्पू धोबी नहीं है हाँ उदहरी और उदहीन के अरे को अहिरी था अरे अपने बहनी दिया है लाई कर रहा शेर जी 1,00,000 रुपये अपने बहनी दिया है लाई गए रहे 1,50,000 घोड़ी खरीद के लाई गए हैं अभी जो ने 50,000 दिए हैं बस अब बाकी ब्याज ब्याज और रकम अभी नहीं दिए नहीं दिए नहीं कोई तो फादम बहुत चला थे अब तो भैया महिला क्या ठीक है चलो भैया और पैदल कई दिन में पहुंच जाओ अरे बस करीब 15-20 दिन में पहुँच चला कहे तो बस उसको किराया लगे किराया में न चल पैसा लाग चाहिए अच्छा कुछ कमाए हमें लाल कुंड में गई हम भले और मैं खुदे हुआ मांग ले कर यहाँ बहुत माल है अच्छा लेकर नहीं चल वही होता है जरूरी चलते Thank you.
और बिल्कुल नादान नहीं, जो भी खाने पीने के बहाने पुलिस को इस तरह का था सब नंबर वाला है। वह बस होता, वह जो इतनी कोई पड़ गई,
ये भी जानकारी का किसान झटका देने वाले रही को जाएंगे आज राज्य पहाड़ की तरफ देखते बाद देखते किस तरफ दिशा झटका महाराज
आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान की बात ही है। कुछ हमें शक लगा कि कुछ डाको आपके महल की ओर आते हुए दिखे। आपको ये शक हो रहा है? शक है। कुछ डाको लोग आते हुए हमारे महल की तरफ आए। हाँ, हम महल के निकट तक देखे हैं। यानी तो आपका शक ये है कि हमारे महल के अंदर डाकू लोग छुपे हुए हैं? हाँ, मेरा शक तो यही कह रहा है। क्योंकि ये अपना विचार गलत फैमिली इसे बदल दो। अच्छा, ये अरे गलत फैमिली नहीं है, हम डाकुओं से मुठभेड़ किया, कितनी गोली चली और हम उनका पीछा करते करते दीवान जी ने खुद अपने आंखों से देखा कि सर ये डाकू नहीं की और जादू है नजर आए। हमारे बच्चों पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं। तो ठीक है, आप महल के अंदर ताला ले सकते हैं। फौजी ताला सुन बोलो इंक्वायरी के लिए, ये मेरा हक है। पूरे महल को ताल मारो, देखो अगर कोई कहीं मिलता है फिर उसके बाद मुझसे बोलो। पूरी इंक्वायरी करके आता हूँ। क्या हुआ? राजेश साहब जो कह रहे हैं कि हमारे महल में तलाशी ले लो, वो नहीं, उनके हिसाब से मैं पूरे महल की तलाशी लेके आया। नहीं दिखाई दिया, पता नहीं कहाँ से जाना है, किस बिल में घुस गए। पूरा चाय की कर लिया, ठीक से किया है कि नहीं? जी सर, आपको मुझे मिल सके क्या? नहीं नहीं, मैं इसलिए तो तुम्हें भेजा था। सर मेरी निगाह से बच नहीं सकता हूँ। हाँ वही तो, क्योंकि अगर इसे दीवान जी को भेजता ये दूसरे काम में लग जाता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दीवान जी भी अपने ड्यूटी के सख्त है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन महल में कोई है नहीं, यहाँ रुकना तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। महाराज हमें आपके शकिया इस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें आपको परेशान किया और लेकिन देखिए हम कानून वाले हैं, बुरा नहीं मानना हमारी बात को, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रशासन का काम ही कानून होता है, या प्रशासन हो या तो किसी राजा के यहाँ कोई गलत करने वाला आता है तो इसका इंसाफ होता है, इंसाफ ही नहीं होती है। ठीक है महाराज, हम लोग चलते हैं। ठीक है, आप चलिए। चलिए दीवान जी। आप लाख लाख शुक्रिया बन गए, बच गए। आप बहुत जल्द की खबर आ जाते हैं? मैं बहुत डरता हूँ सर। अच्छा जी, जाओ उन्हें बुला लो। जी जी, और बोलो। जी साहब, हमने आपसे वादा किया था कि अगर तुम हमारे शरण में आ गए हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप जा सकते हो, लेकिन मैं आज से आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। महाराज मैं भी वचन देता हूं कि आज तक जब भी कोई काम पड़े ये शोला सिंह को याद कर लेना। जय गोपाल, जय गोपाल। आओ
आज से मैं यहाँ पे दोस्त मान के और मैं चल रहा हूँ। ठीक है सर, ऐसे जब भी हमारी याद आए मुझे पुकार लेना। जब हमें जरूरत किसी चीज की पड़ेगी, आपकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो हम आपको जरूर याद करेंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। अपने स्वामी जी के पास और उनसे कुछ बातें करूंगी, उनसे कुछ जो दिल में अरमान है आज मैं प्राणनाथ की जरूर करूंगी। चलती हूँ। महारानी जी की जय। खुश रहो रहती वक्त। महारानी जी कहिए हमारे लिए क्या देखे जी। महाराज जी जी ठीक है, चलो हमें उनके पास ले चलो। आइए।